अहम खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया गया है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल किया है। उनका कहना था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं होगी, ये उनकी जानिब से वाजे किया गया है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल किया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उनको नामजद किया गया है। और मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। यहाँ ये पेशरफ सामने आई है, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद किया जा चुका है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल किया है और उन्होंने मज़ीद कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं होगी। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल किया गया है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर का नाम फ़ाइनल किया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर होंगे। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ये उन्होंने वाज़े किया कि मुखालफीन के साथ कोई बातचीत का अमल नहीं होगा और जो बात की गई वज़ीर आला के लिए, उसके लिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर का नाम फ़ाइनल किया है। बानी पीटीआई ने ये नाम फ़ाइनल किया और मज़ीद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और नून लीग से किसी तरह की भी कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया गया है। उनका नाम चंद रोज़ से गर्दिश कर रहा था और खबरें ये मौसूल हो रही थी, हमने भी आपके साथ खबरें शेयर की। आपको बताया कि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर का नाम फ़ाइनल किया जा सकता है, उनको नामजद किया जा सकता है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। और अब ये खबर सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया गया है, जिसकी तौसीक और जिसके बारे में बानी पीटीआई ने वाज़े किया है कि उनका नाम फ़ाइनल होगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। और मज़ीद सियासी मुखालफीन के हवाले से भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और उन्होंने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि क्या तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों के साथ राबता करेगी, मिल बैठेगी, मिलकर हुकूमत साजी पर कोई बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती। उस हवाले से भी ये वाज़े कर दिया गया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई, आपको सवाल से आगाह कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर का नाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया गया है। बानी पीटीआई ने ख़ुद उनका ये नाम फ़ाइनल किया और जो खबरें गर्दिश कर रही थी उस हवाले से चमगोइयाँ की जा रही थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा। चंद नामों पर इतफ़ाक़ भी किया गया, चंद नाम ज़ेर गर्दिश थे और उनमें से जो फेवरेट करार दिया गया था वो अली अमीन गंडापुर को फेवरेट करार दिया गया था। और अब इस खबर की तस्दीक बानी पीटीआई ने ख़ुद की है और उन्होंने अली अमीन गंडापुर का नाम फ़ाइनल किया है और साथ में ये भी वाज़े किया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, ना किसी तरह की बातचीत होगी, ना किसी तरह का कोई इतफाक़ किया जाएगा। ये उन्होंने वाज़े किया है। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया गया है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर का नाम फ़ाइनल किया और उनका मज़ीद ये कहना था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ और मज़ीद क्या तफसलत हैं वो भी जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है शराज अहमद शराजी ने। जी शराज, ये बताइएगा कि क्या ये नाम अब हतमी तौर पर फाइनल किया गया है या अब भी और नाम भी कोई ज़ेरे गर्दिश है? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेश था वो वज़ारत आला खैबर पख्तूनख्वा के मनसब पे देता और अब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो छह मंजूरियत थी वो ख़त्म कर दी। बाकायदा तौर पर नाम जो है वो अनाउंस कर लिया है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मनसब पे जो है वो नामजद होंगे। आज सहाती से अजारा जेल में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो बानी चेयरमैन ने गुफ्तगु की और इस दौरान उसका ये कहना था कि जो वज़ीर आज़म है उसके लिए अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ, ताहम जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उसके लिए अली अमीन गंडापुर जो है उनको नामजद कर दिया गया है। इससे कबल तीन बड़े नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के सामने आ रहे थे, अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक अहमद गनी और ताज मोहम्मद खान तरंग का नाम जो था वो इन तीन नाम जो थे ये सारे फेरिस्त थे, जिस पर जो है अब बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर को बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो नामजद कर दिया है। इस दौरान बानी चेयरमैन ने सहाफ़ियों से ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और दीगर जमातों से कोई जो है वो इत्तेहाद नहीं होगा और ना ही उनसे इत्तेहाद जो है वो हो सकता है। बनीगाला शिफ्ट होने के हवाले से जो
खबरें गर्दश कर रही थी उसकी भी तरदीद कर दी गई और बानी चेयरमैन ने कहा कि भी बनिगाला शिफ्ट नहीं हो रहा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि पहले मरहले में जो इंतखाबी नतायज है उनको चैलेंज कर रहे हैं और हम इंतखाबी नतायज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि आप सबको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आरोज के इलेक्शन में जो है आरोज की तैनाती के खिलाफ क्यों थी, तो आप सबको पता चल गया है। तो ये अब तमाम जो चीज मौजूद है वो खत्म हो गई है और बानी चेयरमैन ने बाकी तौर पर अलीमी गंडा खून को जो है वो नामजद कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा के वजारत आला के मनसब के लिए। जी ठीक है, नाम अब फाइनल किया जा चुका है। शराज अहमद शराजी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।